हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरुण। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, बीजेपी 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव जीती है, लेकिन मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान नहीं हुआ है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के नामों को लेकर कई कयास लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है बीजेपी 3 राज्यों में नए चेहरों को सीएम के रूप में मौका देगी। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की स्थिति है, वो मजबूत बताई जा रही है, और राजस्थान में वसुंधरा राजे अपनी ताकत का एहसास करा रही हैं। इसी बीच बीजेपी ने विधानसभा चुनावों में जीते सभी सांसदों से इस्तीफा ले लिया है। ऐसे में 3 राज्यों में सीएम की रेस और दिलचस्प हो गई है। ऐसे में 3 राज्यों को नया सीएम मिलने में कम से कम 3 दिन का समय लग सकता है। बीजेपी की संसदीय दल की बैठक में सीएम का नाम तय हो सकता है। इस बैठक में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से राय मशवरा होगा, फिर विधायक दल की बैठक होगी, उसमें नेता चुना जाएगा। राज्यों के नेताओं और विधायकों से फीडबैक मिलने के बाद बीजेपी आलाकमान को इसकी जानकारी दी जाएगी। आलाकमान की ओर से सीएम पद के लिए किसी एक विधायक के नाम पर मुहर लगाई जाएगी। बीजेपी आलाकमान से हरी झंडी मिलने के बाद सीएम का शपथ ग्रहण समारोह होगा। इस बात से यह साफ है कि इस काम में कम से कम 3 से 4 दिन का समय लगना तय है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी के किसी नए चेहरे को मुख्यमंत्री के रूप में पेश करने की बात चल रही थी, और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान और राजस्थान में वसुंधरा राजे दौड़ में बताई जा रही थी। लेकिन सांसदों के इस्तीफे से मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी नए सीएम की अटकलें तेज हो गई हैं। इस बात की चर्चा है, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के साथ 2 उप मुख्यमंत्री और छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के साथ 1 उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। अब छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने 54 सीटों पर शानदार जीत दर्ज की है। इस जीत के बाद राज्य में लगातार यह मंथन चल रहा है छत्तीसगढ़ का अगला सीएम कौन होगा। लेकिन रिपोर्ट की माने तो यह दावा किया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ की जो कमान संभाल चुके रमन सिंह इस बार फिर से मुख्यमंत्री नहीं बनाए जा सकते, क्योंकि रमन सिंह केवल जनता के सामने वोटों के समय एक्टिव दिखे। अब जो 3 राज्यों में नए सीएम को देखना एक बड़ा सरप्राइज की तरह होगा, देखना अभी बाकी है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।